अगर आपने वेटरनरी यानी कि BBSC एंड AH जो कि कोर्स है एनिमल्स के लिए, उसकी स्टडी आपने इंडिया में कर ली है, तो उसके बाद अगर आपको अब्रॉड जाना है, आप वहां पे काम करना चाहते हैं, देन हाउ यू कैन डू दैट। Hey guys, welcome to College Mela once again. My name is Dr. Shubhra. Those who have been earlier here, welcome back. Those who don't know me, I'm Dr. Shubhra. I am a BDS. और हम College Mela के channel पर different different careers के बारे में, उनके scopes के बारे में बताते हैं, whether in India or abroad. So this particular video is way too much requested. इतने सारे लोगों ने इसके बारे में demand की and finally Here I am with this video कि वेटरनरी अगर आपने इंडिया से की है तो उसके बाद अगर आप अब्रॉड शिफ्ट होना चाहते हैं, अच्छी अर्निंग्स कमाना चाहते हैं, वाना हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल विच इज़ द फॉरन लाइफ स्टाइल, सो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दिस वीडियो इन पर्टिकुलर विल बी हेल्पफुल फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नियर बाई कंट्रीज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस फ्रॉम हियर दीज कंट्रीज आर नॉन एक्रेडिटेड कॉलेजेस। ये क्या होते हैं ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट कि हम आज क्या प्रोसेस की बात करने वाले हैं। US एंड कैनेडा नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ US और कैनेडा के लिए ही है। अगर आप चाहते हैं UK या अदर कंट्रीज के बारे में तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बना सकती हूँ, बट फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन केस इफ यू वॉन्ट टू शिफ्ट अब्रॉड आफ्टर वेटरनरी especially to US or Canada. पहली बात तो ये कि why abroad? तो इस कोर्स के अंदर एक सबसे अच्छी चीज ये है कि बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, जिसकी वैल्यू इंडिया में इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फॉरेन में एक वेट डॉक्टर की जो अर्निंग्स होती हैं वो 100K से शुरू होती हैं एनुअली, एंड इट्स क्वाइट अ गुड एंड डिसेंट जॉब जहाँ की बहुत रिस्पेक्ट मिलती है आपको, लाइफ स्टाइल अच्छी मिलती है क्योंकि एक अच्छी अर्निंग होती है, तो वहां ये एक बहुत ही रेप्यूटेड जॉब के अंदर काउंट होता है। नाउ without doing any further delay let's talk about the main topic which is how to shift abroad. अगर आपने वेटरनरी कर लिया या तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली है या फिर आपने कर ली है, उसके बाद आप क्या करोगे? आप किसी भी कंट्री में कोई फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए लाइसेंस लेना होगा, एंड दिस लाइसेंसिंग प्रोसीजर इज मोर फोकस्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक US, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया। वेटरनरी के प्रोसेस का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो है नेवले एग्जाम। ये एग्जाम हर स्टूडेंट को देना होता है, चाहे वो कैंडिडेट कनाडा से हो, US से हो या फिर किसी भी अदर कंट्री से हो, अगर उसको US या कनाडा में काम करना है तो उसको नेवले एग्जाम देना होगा। जब आप नेवले का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देनी होती है किसी भी स्टेट में जाने के लिए। जैसे कि आप जाना चाहते हैं कनाडा में तो कनाडा के अंदर ऑन्टेरियो में जाना चाहते हैं या सस्केचुअन में जाना चाहते हैं या ब्रिटिश कोलंबिया में जाना चाहते हैं, तो इसके बेसिस पर आपको वहां पर्टिकुलरली जाकर और इसका लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन देना होगा। जैसे ही आपको स्टेट लाइसेंसर मिल जाएगा यू विल बी allowed to work in that state. US Canada की सारे जितने भी vet schools हैं ये सब AVMA यानी कि American Veterinary Association से accredited है। इसके अलावा UK और Australia के भी कुछ colleges accredited हैं, तो अगर वो accredited college से है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे नेवल एग्जाम देना है, लाइसेंसिंग एग्जाम देना है एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन अगर आप accredited college से belong नहीं करते हैं तो आप नॉन accredited college की लिस्ट में आते हैं, तो अगर आप नॉन एक्रेडिटेड कॉलेज के लिस्ट में आते हैं तो आपको इक्विवेलेंसी एग्जाम देना होगा। इक्विवेलेंसी एग्जाम मतलब कि आपकी डिग्री जो भी हो आपको उसको कैनेडियन या US स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट करना होगा, और उसके लिए दो एग्जाम होते हैं, पेव एग्जाम होता है और एक ECFVG। अगर आप इंडिया या नियर बाय कंट्री से बिलोंग करते हैं तो ये जो एग्जाम है ये एग्जाम आपको देने होंगे, क्योंकि यहाँ के कोई भी कॉलेजेस एक्रेडिटेड कॉलेजेस के अंदर काउंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा, यानी कि आपको देना होगा या तो ECFVG या फिर पेव एग्जाम। जब ये दोनों एग्जामिनेशंस में से कोई एक आपने जो भी चूज किया है वो आप क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपको जाना होगा नेवले एग्जाम के लिए, और नेवले एग्जाम के बाद में जब वो आप क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको जाना होगा लाइसेंसिंग के लिए। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया कि आपको क्या करना होगा। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे इसकी फीस होगी, किस तरीके से इसका एग्जाम फॉर्मेट होता है, क्या क्या आपको करना होता है, और इसके लिए आपको ना बहुत सारी वेबसाइट के लिंक चाहिए होंगे, तो वो सारे वेबसाइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए और सीधे आप उस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे जहां आप अप्लाई करना चाहते हैं। नाउ
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक डिस्क्लेमर है कि ये जो एग्जाम्स हैं ये बहुत इजी नहीं होते हैं। अब ये इजी नहीं होते हैं उसका रीजन सुनिए। आई बिलोंग टू इंडिया तो आई नो अबाउट इंडिया कि इंडिया में 12th क्लास के बाद आप सीधे वेटरनरी के लिए आप जाते हैं। 4 or 5 years का आपका जो भी टेन्योर होता है उसके बाद आप सीधे एक वेट डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन इन वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली इन यूएस एंड कैनेडा आपको पहले 12th के बाद 4 years का ग्रेजुएशन करना होता है, उसके बाद अपनी एबिलिटीज प्रूव करनी होती है कि आप सच में वेट डॉक्टर या मेडिकल डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल हैं। और जब आप अपनी एलिजिबिलिटी प्रूव कर देते हैं उसके बाद आपको वेट स्कूल में एडमिशन मिलता है एंड देन यू गो फॉर 4 years ऑफ स्टडी इन वेट साइंसेज, यानी कि 8 साल में आप एक वेट डॉक्टर बन रहे हैं। यहाँ आप 4 to 5 years में ही बन रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्टैंडर्ड का जो है डिफरेंस, उस स्टैंडर्ड या लर्निंग के डिफरेंस को वहां पर वो मैच करना चाहते हैं। दैट इज ऑल द बेसिस ऑफ दीज एग्जामिनेशन। तो अगर आपके यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपने यहाँ पर इंटर्नशिप में काम किया है या फिर आपने लर्निंग्स अच्छी की हैं तो आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। इट्स नॉट अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है देन यू हैव टू वर्क हार्ड अपॉन योरसेल्फ। अपनी थ्योरेटिकल स्टडीज और प्रैक्टिकल वर्किंग दोनों आपकी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आप अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं या इंटर्नशिप में काम कर रहे हैं तो आप अपनी मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कीजिए। प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा कीजिए जितना कर सकते हैं उतना, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स विल इवेंचुअली हेल्प यू इन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। क्योंकि जो यूएस एंड कैनेडा के जो मेडिकल एग्जाम्स होते हैं ये जनरली प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज की जो एप्लीकेशन होती है लाइफ के अंदर उसके ऊपर बेस्ड होते हैं। तो आपने जितना अच्छे से काम किया होगा उतना ही अच्छे से आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंटर ऑफ द एग्जाम्स, दैट इज नेवले। नेवले की फुल फॉर्म है नॉर्थ अमेरिकन वेटरनरी लाइसेंशियर एग्जामिनेशन। इस एग्जाम को हर कैंडिडेट को देना होता है। नेवले की एप्लीकेशन फीस $720 है और इंटरनेशनल फीस $345 एडिशनल है। नेवले जो एग्जाम है इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो यही है ABM में एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से अगर आपने अपना ग्रेजुएशन किया है देन देयर इज नो इशू, यू कैन डायरेक्टली गो एंड अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। मोस्टली यूएस और कैनेडा के जितने भी कॉलेजेस हैं वो सारे ABM एक्रेडिटेड हैं। ABM मींस अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशन। तो अगर आप नॉन एक्रेडिटेड से हैं तो ECFVG या फिर PAVE का एग्जामिनेशन देना होगा। ECFVG का फुल फॉर्म है एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन वेटरनरी ग्रेजुएट, या फिर PAVE का एग्जाम दीजिए जिसकी फुल फॉर्म है प्रोग्राम फॉर द असेसमेंट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन इक्विवेलेंस। सो दीज टू एग्जाम्स आर इक्विवेलेंसी एग्जामिनेशन, एक्रेडिटेड एंड नॉन एक्रेडिटेड। नॉन एक्रेडिटेड को एक्रेडिटेड के इक्विवेलेंट लाने के लिए जो दो एग्जाम है वो है ECFVG एंड PAVE। तो जैसे ही आप ECFVG या PAVE दोनों में से कोई भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पर आप नेवले एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप नॉन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं लेकिन आपका कॉलेज ABM से रिकॉग्नाइज होना चाहिए, अगर आपको ये लिस्ट देखनी है तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वहां आप लिंक पर क्लिक करके अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपना चेक कर लीजिए कि वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लिस्ट है या नहीं है। अगर आप ABM रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से हैं तभी आप इस एग्जाम को आगे दे सकते हैं। नेवले एग्जाम US और कनाडा दोनों ही एक्सेप्ट करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कनाडा में जाना चाहते हैं तो आपको ECFVG या फिर PAVE जो एग्जामिनेशन है वो नेशनल एग्जामिनिंग बोर्ड के थ्रू देना होगा जो कि कनाडा का है। अगर आप USA जाना चाहते हैं तो USA के लिए आप सिंपली ECFVG या फिर PAVE की वेबसाइट पर जाकर इस एग्जाम को दे सकते हैं। वॉट इज ECFVG? इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन एंड प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन। प्रूफ ऑफ ग्रेजुएशन में जनरली जैसे आपका जो कॉलेज है वो कॉलेज आपका इसके आपकी हेल्प करेगा। ECFVG की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप ABM रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से बिलोंग करने चाहिए हो। तो इसमें जो आपको स्टेप करने हैं वो ये है कि आपको एनरोल करना है। एनरोल करने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद आपको ECFVG के ऑफिस में जो कि US में है वहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, नोटराइज्ड कंफर्मेशन पेज एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपनी फीस जो है वो सेंड करनी होगी। उसके बाद ECFVG आपका जो कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी है वहां से डायरेक्टली वेरीफाई करेगा आपकी क्रेडेंशियल्स को। ECFVG की जो फीस होती है वो है $1400। आई नो इट्स प्रीटी हार्श बट आप इसका जो रिवॉर्ड है वो भी देखिए, रिवॉर्ड बहुत अच्छे हैं।
ये जो प्रोसीजर है वो इस तरीके से होगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, अपनी फीस पेमेंट करनी है, साइंड एंड नोटराइज्ड कंफर्मेशन पेज होगा आपकी दो फोटोज के साथ में, और आपकी जो मार्कशीट है, आपकी जो सर्टिफिकेट है, उसका जो ट्रांसक्रिप्ट है जो कि आपका कॉलेज बना के देगा, वो आपको सेंड करना है ECFVG के ऑफिस में। यहाँ पर ECFVG खुद अपने आप आपके क्रेडेंशियल्स के वेरिफिकेशन के लिए कॉलेजेस को कॉन्टैक्ट करेगा। यहाँ आपको इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में आपको अपने ओरिजिनल्स नहीं भेजने हैं, आपको सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है। अब ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, ट्रांसक्रिप्ट पे आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर कॉन्टैक्ट करते हैं और वहाँ से आपको वो आपकी जो 4 ईयर्स की मार्कशीट होती है ना, उनके सारे मार्क्स को सबको एडअप करके सब्जेक्ट के साथ में एक फॉर्मेट बनाकर देते हैं, दैट इज़ नॉन एज ट्रांसक्रिप्ट, और उस पर कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की सील लगी हुई होती है, यूनिवर्सिटी प्रूव कर रही होती है कि येस दिस कैंडिडेट हैज़ कम्प्लीटेड द वेटरनरी कोर्स फ्रॉम देयर कॉलेज एंड दीज वर दी मार्क्स ही और शी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर आपको ओरिजिनल किसी भी हाल में नहीं भेजने हैं, क्योंकि आप ओरिजिनल अगर भेज देंगे तो वो आपके गायब हो जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं दोबारा। क्रेडेंशियल वेरिफिकेशन के बाद जो सेकंड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली इंग्लिश है, क्योंकि US कनाडा दोनों में ही जो वहाँ का फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो आपको इंग्लिश अपनी प्रूव करनी है कि वेदर यू आर एबल टू स्पीक राइट रीड एंड लिसन टू द इंग्लिश और नॉट अप टू द सेट मार्क। यहाँ पर दो एग्जाम बहुत फेमस है, एक IELTS एंड एक TOEFL। इफ यू वॉन्ट मोर इन्फॉर्मेशन फॉर IELTS तो मैंने पूरे डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है एंड आई विल लिंक इट हियर और हियर समवेयर, और आप वहां पर वो वीडियो देखिए कि आप IELTS को कैसे क्लियर कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसीजर होता है IELTS के अंदर। तो आपको अपनी लैंग्वेज जो है वो प्रूव करनी है कि यू आर एबल टू स्पीक अ गुड इंग्लिश। किसी भी देश में रहने के लिए वहां की लैंग्वेज का जानना तो बहुत ही जरूरी है, तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल स्टेप। इसके बाद एग्जाम होगा बेसिक एंड क्लिनिकल वेटरनरी साइंस नॉलेज असेसमेंट। इस एग्जाम को बोला जाता है BCSE, यानी कि बेसिक एंड क्लिनिकल साइंस नॉलेज एग्जामिनेशन। ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक और क्लिनिकल वेटरनरी साइंस के बारे में इसके अंदर पूछा जाता है। अगर आप कनाडा में जाना चाहते हैं तो कनाडा के लिए आपको कैनेडियन नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की साइट पर जाकर वहां से इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा। तो NEB के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको कनाडा में मिलेगा, अगर आप NEDB के थ्रू नहीं जा रहे हैं तो आपको US के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको यहाँ पर सर्जरी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर होती है, तो कैंडिडेट जो एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें सर्जिकल एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म देना होगा एज अ प्रूफ ऑफ हैविंग परफॉर्म्ड इन द 5 ईयर पीरियड ऑफ कैंडिडेट्स CPE, यानी कि क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यानी कि एक सर्जरी में आपको प्राइमरी सर्जन होना है और बाकी 5 के अंदर, एटलीस्ट 5 के अंदर आपको असिस्ट किया हुआ होना चाहिए डिफरेंट सर्जरीज में, यहाँ इसका आपको प्रूफ देना होगा। अब ये जो वैलिडेशन प्रूफ है, ये कोई भी वेटरिनेरियन जो कि लाइसेंस्ड होते हैं, जैसे कि इंडिया में ही बहुत सारे लाइसेंस्ड वेटरिनेरियंस हैं, तो वो इसका प्रूफ आपको दे सकते हैं अगर आपने काम किया है तो। स्टेप 4 आता है क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन। क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन या फिर हैंड्स ऑन क्लिनिकल स्किल एग्जामिनेशन, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स देखी जाती हैं। अब आपने क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन जो स्टेप 4 है वो देना है, और उसके लिए आपको पहले वो अपने जो सर्जिकल प्रोसीजर्स था तो आपको उसका प्रूफ देना है। प्रूफ देने के बाद ही आपको क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी एग्जाम के लिए एलिजिबल किया जाएगा। ये जो एग्जाम है ये 3 डे लॉन्ग एग्जाम है, इट इज वेरी रिगरस एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पर हैंड ऑन प्रैक्टिकल्स करके दिखाने होंगे, 7 सेक्शंस होंगे, हैंड ऑन स्किल्स एग्जामिनेशन होगा। कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन या ऑथराइज्ड टेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा। इसमें बहुत ही क्लियर है कि अगर आपने रियल में अपनी वेटरनरी एजुकेशन के अंदर काम किया है या फिर आप उसके बाद प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, आपकी स्किल्स बहुत सही हैं, तभी यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। जैसे ही आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, नाउ यू आर एलिजिबल टू गिव NEVLE एग्जामिनेशन, यानी कि आप ये एग्जाम दीजिए, NEVLE क्लियर कीजिए और लाइसेंसिंग के लिए चले जाइए। तो ECFVG इज द प्रोसेस जो कि मोस्ट ऑफ पीपल अपनाते हैं, क्योंकि इट इज अ शॉर्ट प्रोसेस बट इट इज लिटिल डिफिकल्ट। यहाँ पर इतना इजी नहीं है, आपको यहाँ पर थियोरेटिकल एंड क्लिनिकल बोथ दी एग्जामिनेशंस को क्लियर करना है, और पूरी दुनिया से लोग इस एग्जाम को देने आते हैं, तो योर प्रिपरेशन हैव टू बी वेरी रिगोरस। आप अपनी हार्ड वर्क कीजिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि कोई क्रैक नहीं कर सकता,
डेफिनेटली इट नीड्स अ गुड थरो नॉलेज और आपका जो बेस है एजुकेशन का वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. अगर अभी तक नहीं है तो अभी काम पे लग जाइए. इट इज़ वर्थ हैविंग दिस हार्डवर्क. यहाँ पर क्लिनिकल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो है वो सबसे महंगा एग्जामिनेशन है ECFVG के अंदर, विच इज़ ऑफ ₹7,630. इसकी जो मैं कॉस्टिंग है वो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ती हूँ. तो स्टेप वन में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो $1,400 का होगा. स्टेप थ्री जो है वो है BCSC एग्जामिनेशन, विच इज अराउंड $150 to $200. एंड देन कम CPE, विच इज क्लिनिकल प्रोफिशिएंसी एग्जामिनेशन, विच कॉस्ट अराउंड $7,630. इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम आता है वो आता है पे काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, विच इज फॉलोड वेरी लेस, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा लंबा प्रोसीजर लगता है. इट इज कॉस्टलियर ऑल्सो, लेकिन इट इज वर्थ वाइल, बिकॉज अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप इस एग्जाम को देकर भी आ सकते हैं, US या कनाडा में शिफ्ट हो सकते हैं. पेव को कम लोग फॉलो करते हैं बिकॉज दिस इज कॉस्टलियर, द फर्स्ट रीजन. सेकंड रीजन इज, हालांकि पूरा जो कनाडा है वो पेव को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन US में 46 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ही हैं जो कि इस एग्जाम को एक्सेप्ट करती हैं. तो यहाँ इसका एक लूपहोल ये भी है. तो अगर आपको पता है कि आपको कौन से स्टेट में जाना है तो आप ये चेक कर लीजिए कि वेदर दे एक्सेप्ट पेव और नॉट. तो पेव के बारे में फर्स्ट स्टेप होगा, आपको अपना जो कॉलेज है वो देखना है कि AVMA से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं. ये स्टेप ECFVG में भी था. आपको फर्स्ट जो टू स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं. तो यहाँ पर आपको पहले चेक करना है कि AVMA से आपका जो कॉलेज है वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं. उसके बाद आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देख लीजिए, वही IELTS या फिर TOEFL. मैं फिर से कह रही हूँ कि IELTS या TOEFL दोनों में से कोई भी एक एग्जाम आपको देना होगा. ये दोनों ही एग्जाम चार चीजों पर बेस्ड होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. देन थर्ड स्टेप कम्स डॉक्यूमेंटेशन. आपको प्रूफ देना होगा कि आपने वेट स्कूल से अपनी ग्रेजुएशन की है, दैट इज द ऑल सिमिलर. जब आपको यहाँ पर भी ट्रांसक्रिप्ट बनवानी पड़ेंगी अपने कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद उनको सेंड करना होगा एज अ प्रूफ कि यस यू हैव डन योर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड वेटरनरी कॉलेज. इसके बाद आपको पेव की एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी, विच इज $375. उसके बाद आप अप्लाई करेंगे क्वालिफाइंग साइंस एग्जामिनेशन के लिए. क्वालिफाइंग साइंस एग्जामिनेशन की फीस है $1,500. उसका जो कॉन्टेंट है उसकी लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगी. तो यहाँ पर ये एक एग्जाम जिसका कॉन्टेंट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, एक बेसिक थर्ड ईयर की जो नॉलेज होती है ना उसके बेसिस पर ये एग्जामिनेशन होती है. QSE यानी कि क्वालिफाइंग साइंस एग्जामिनेशन, ये 3 times इन अ ईयर होता है, जनवरी, मई एंड सितंबर में. QSE के अंदर 200 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 25 मल्टीपल चॉइस पायलट क्वेश्चंस होते हैं, एंड QSE इज डिलीवर्ड इन 220 मिनट्स वन सिंगल ब्लॉक सेक्शन. फिर क्वालिफाइंग साइंस नॉलेज एग्जाम आपने दे दिया, उसको क्लियर करने के बाद में आपको अप्लाई करना होगा ECE के लिए. इवेलुएटेड क्लिनिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको खुद डिफरेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो कि US या कनाडा जहां पे भी आप जाना चाहते हैं वहां की यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको अप्लाई करना होगा. डायरेक्टली अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में आपको अप्लाई करना पड़ेगा एनरोलमेंट के लिए, और हर एक इंस्टीट्यूशन की फीस अलग अलग होती है. इट माइट बी समवेयर अराउंड $40,000 to $70,000. ये वन ईयर का कोर्स होता है और इस वन ईयर के अंदर आपको वहां का जो फाइनल ईयर है वहां के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है. तो सो हियर वन ईयर इज एक्स्ट्रा एडेड टू योर एजुकेशन, और इस एजुकेशन के अंदर आपको ये US या कनाडा की जो स्टैंडर्ड होती है एजुकेशन की उसके इक्विवेलेंट लाके खड़ा कर देते हैं. आपके वन ईयर की स्टडीज के कंप्लीशन के बाद में आपका जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा वो खुद ही पेव को आपके जो रिकॉर्ड्स या स्कोर्स होंगे वो फॉरवर्ड करेगा. उसके बेसिस पे पेव जो है वो आपको अपना सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करेगा दैट यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन एंड यू आर नाउ पेव सर्टिफाइड दैट यू कैन फर्दर गो फॉर NEVLE एग्जामिनेशन. सो बेसिकली ECFVG के अंदर भी आपने एग्जाम देना है, पेव के अंदर आपको एग्जाम प्लस वन ईयर स्टडीज है, लेकिन ECFVG के अंदर आपकी जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो बहुत ही टफ होती है. अगर आपको लगता है कि आप इतना पे कर सकते हैं, 40,000 to 70,000 ईयर का उसका फीस है, सो दिस इज ऑल्सो अ नाइस वे टू ज्वाइन वेटरनरी देयर, क्योंकि इससे आपको वहाँ के नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस एंड हाउ एनिमल्स आर ट्रीटेड देयर ये आपको पूरा थोरो नॉलेज मिलती है. लेकिन अगर आप इतना पैसा नहीं लगाना चाहते एंड यू डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट
इन्वेस्ट वन ईयर इनटू स्टडीज अगेन, सो ECFVG इज द एग्जामिनेशन। तो इसके बाद में आपको नेवले देना है और नेवले के बाद में आपको स्टेट लाइसेंचर में जाना है। सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल यट लेंथी प्रोसीजर जो कि कॉस्टली है, बट बिलीव मी दिस कॉस्ट विल डेफिनेटली पे यू प्राइस, क्योंकि US एंड कैनेडा दीज आर द कंट्रीज वेयर वेटरनरी डॉक्टर्स आर मोस्ट रिस्पेक्टेड वंस और यहाँ पर अर्निंग काफी अच्छी होती है। तो आपके लिए ये जो आपने मेहनत या पैसा लगाया है ये आपको दुखेगा नहीं, डेफिनेटली ये आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल ही प्रोवाइड करेगा। आई होप मैंने आपको काफी हद तक क्लैरिटी इस एग्जाम के बारे में प्रोवाइड कर दी होगी कि कैसे आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि शिफ्ट हो और एक बेटर लाइफस्टाइल आप जाना चाहते हैं, आप फॉरेन में रहना चाहते हैं, देन दिस इज क्वाइट अ गुड स्कोप। इनकेस अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स बाकी हों तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, कोशिश करूंगी कि आपको उन सबके बारे में बता सकूं। आपको जितने भी लिंक्स इस वीडियो के अंदर चाहिए वो सारे लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। दिस एग्जाम इज टफ डेफिनेटली, बट दिस इज नॉट दी हार्डेस्ट वन। यस, पीपल डू क्रैक दिस एग्जामिनेशन, तो आप ये हिम्मत मत हारिए कि तैयारी नहीं कर सकते हैं। जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्क एंड डू स्टडी, डेफिनेटली दिस हार्ड वर्क विल रिवॉर्ड यू इन अ गुड वे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू लेटर, बाय बाय।